भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और भारत में गेहूं की कमी ना हो इसके मद्देनजर निर्यात पर बैन करने का फैसला किया। हालांकि इस बीच कई भारत के मित्र देश जो हैं भारत से गेहूं खरीदने पर अडिग हैं और वो भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं देशों में से एक देश है मिस्र, जिसके सप्लाई मिनिस्टर हैं अली मोसेली। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी सरकार भारत से 5,00,000 टन गेहूं खरीदेगी। दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्र को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद गेहूं नहीं मिल पा रहा। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से हैं। रूस के हमले के कारण ब्लैक सी ग्रेन की बिक्री नहीं हो पा रही है और मिस्र इसके निर्यात का विकल्प तलाश रहा है। मोसेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया है कि हम भारत से 5,00,000 टन गेहूं खरीदने को तैयार हैं। दरअसल भारत में हीट वेव के कारण लगातार गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है। गेहूं की कीमतें ऊपर जा रही हैं, दुनिया में खपत बढ़ रही है। इसके मद्देनजर भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया। भारत ने देश में कीमतों को स्थिर करने के लिए इसके निर्यात पर रोक का फैसला किया था। भारत में गेहूं के घरेलू उत्पाद पर लगाम लगाने और घरेलू स्तर पर कीमतें बढ़ाने से बचने के लिए इस तरह के प्रतिबंध का ऐलान हुए थे। इसके बाद अब कई देशों में बेचैनी देखी गई। G7 जैसे देशों ने भारत से फिर से सोचने को कहा, अमेरिका ने सोचने को कहा। चीन भारत के इस रवैये के साथ है, क्योंकि चीन का कहना है कि भारत ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। वहीं मिस्र के सप्लाई मिनिस्टर मोसेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि गेहूं खरीद को लेकर मिस्र के साथ हुए समझौते पर भारत सरकार का निर्यात बैन का फैसला लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मिस्र की कैबिनेट ने सरकारी खरीद को अपनी टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर गेहूं सीधे देशों या कंपनियों से खरीदने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा है कि मिस्र, कजाकिस्तान, फ्रांस, अर्जेंटीना के साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं। मिस्र के प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि मिस्र के पास 4 महीने का रिजर्व और 6 महीने का वेजिटेबल ऑयल बचा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय फसल की खरीद के बाद मिस्र का गेहूं भंडारण साल के अंत तक पर्याप्त रहेगा। भारत ने देश में कीमतों को स्थिर करने के लिए इसके निर्यात पर रोक का फैसला किया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया है। लेकिन इसके बाद से ही लगातार भारत से ये मांग हो रही है कि वो निर्यात बैन पर अपने फैसले पर फिर से सोचे और उसे वापस ले ले। लेकिन भारत का कहना है कि वो अपने जरूरत के हिसाब से फैसले करेगा और जो भी जरूरतमंद देश है उसकी मदद भी करेगा, यानी कि उन्हें भूखे मरने नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।